नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। SSC ने सबसे पहले एक JD के रिज़ल्ट निकाला था और उसे प्रकाशित किया गया था लगभग आपके 20 जून 2019 को। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक चीज़ पाया कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आंसर का लगभग 13 क्वेश्चंस को, जो कि आपके कुल 8 शिफ्ट में वो था, ठीक है, वैसे शिफ्ट ज़्यादा थे, 8 शिफ्ट के 13 क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसा पाया कि जो उन्होंने आंसर दे रखा था वो थोड़ा सा अलग था, जो कि आपके कैंडिडेट के आंसर से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी डाला था लेकिन उससे जो है मेल नहीं खा रहा था। इसलिए SSC ने फिर से उसे देखा, परखा और समझा, और उसके बाद जो है आप सभी के लिए न्यू पैरामीटर्स पे, न्यू आंसर की इस पर फिर से उन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर किया। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले क्वालिफाइड नहीं थे, उन्हें अब क्वालिफाई किया गया है। तो आप वही आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल JD सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। मेन चीज़ आपका यही लिखा हुआ है कि 20/6/2019 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसमें कि आपका 68,420 फीमेल थे और मेल जो थे 4,65,632 के आसपास में थे, जिन्हें कि फिजिकल PET या PhD के लिए जो है आपका शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक, अब सबसे पहले चलते हैं ये कहाँ कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से आंसर को चेंज किया गया था। सबसे पहले आप सीरियल नंबर 1 पे देख सकते हो, 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड में जो नंबर ऑफ रिवाइज आंसर की जो है 2 हैं। उसी तरह से सीरियल नंबर 2 पे आप देख सकते हो, 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में आपके 1 आंसर की को चेंज किया गया। इसी तरीके से आप पूरा मिला के देख सकते हो कि तकरीबन 8 शिफ्ट में 13 क्वेश्चन के आंसर्स को चेंज किया गया है, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर इतने सारे शिफ्ट के अगर आंसर चेंज किए जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन पे आपका सीधा सा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही यहाँ पे SSC ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि उन्हें जो रिवीजन ऑफ आंसर की के बाद रो स्कोर जो थे लगभग इन 8 शिफ्ट के कैंडिडेट्स के चेंज हो गए, जिसके कारण कि नॉर्मलाइजेशन पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा। और फिर यही उन्होंने लिख रखा है कि रिजल्ट को जो है फिर से रिवाइज करना पड़ा इसी कारण, और बेस्ड ऑन द रिविजन इन द रिजल्ट द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन इफेक्टेड इन द रिजल्ट इनिशियली डिक्लेयर ऑन 20/6/2019। अब सबसे मेन सही पॉइंट्स जो आते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे ए नंबर पॉइंट पे ये लिखा है कि लिस्ट 1 में जो फीमेल कैंडिडेट से लगभग 426, जिन्हें कि सबसे पहले PET और PhD के लिए नॉट क्वालिफाइड किया गया था, वो अब क्वालिफाइड हैं। बी नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं 151 फीमेल कैंडिडेट, जिन्हें कि पहले नॉट क्वालिफाइड लिखा गया था PET या PhD के लिए, वो जो हैं बॉर्डर एरिया मतलब लिस्ट 2 के लिए क्वालिफाई फिर से उन्हें किया गया है। फिर पॉइंट नंबर सी पे आप देख सकते हैं 116 कैंडिडेट्स को लगभग, जो कि लिस्ट 3 में नॉट क्वालिफाइड थे, उन्हें फिर से क्वालिफाई किया गया। डी नंबर पे 2 मेल कैंडिडेट थे नॉट क्वालिफाइड, वो कौन सा था, लिस्ट 4 में, जो कि NIA और SSF के लिए था, तो उसमें जो है उन्हें क्वालिफाई किया गया है। 1750 मेल कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाइड नहीं थे PET और PhD के लिए और वो लिस्ट 5 में थे, उन्हें भी अब क्वालिफाई किया गया है। और 444 मेल कैंडिडेट्स जो कि नॉट क्वालिफाइड थे पहले, अब वो फिर से लिस्ट 6 में उन्हें क्वालिफाई किया गया था। उसी तरीके से FGHI पॉइंट है, आप इसे बेसिकली आप थोड़ा सा रीड खाली कर लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो जब रिवाइज रिजल्ट जब निकल करके आता है तो पहले जो थे 5,34,052 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था, लेकिन अब जो है 5,35,169 कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई कराया गया है, वो 5th नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हो, जिसमें कि फिलहाल जो है फीमेल के 68,781 हैं और पहले जो थे 68,420, तो काफ़ी नंबर में इजाफा आया है। और मेल में जो है पहले आपका था 4,65,632 और अब जो है 4,66,388। अब चले आते हैं 6.1 में, सबसे पहले फीमेल पे चले आते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर SSF ओनली, जो कि सिर्फ और सिर्फ SSF के लिए क्वालिफाई किए गए, Category 1, Category 2, Category 6, Category 9, ठीक है। और इस कैंडिडेट्स अवेलेबल दिखाया हुआ आप सभी का 100 से 70 180 400, और मार्क्स आप सभी का दिखाया हुआ है, पार्ट ए मार्क्स, पार्ट बी मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ, इन सभी तरीके से ये दिया गया। अब फिर आप बी नंबर पे आप चले आते हो तो वहाँ पे देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट और UT वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है। अब इसमें भी देख सकते हो, ठीक,
अब पॉइंट नंबर सी, मतलब सी पे आप जाके देख सकते हो, फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वैकेंसी रिजर्व फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया। फिर आप उसी तरीके से डी नंबर, अब फिर यहाँ पे फिर है जो आपका मेल के लिए, जो फोर्स आपका लिखा हुआ NIASSF ये करके, फिर कैटेगरी आपका दिया हुआ, कैंडिडेट्स अवेलेबल लिखा हुआ, मार्क्स लिखा हुआ, इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही बस बताना था कि कुछ कुछ और लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को क्वालिफाई कराया गया। पॉइंट नंबर एफ भी आप आसानी से पढ़ ले सकते हो, ठीक है, एफ़ जी एच इन सभी को आसानी से आप पढ़ लिख ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। जो आपका मेन चीज़ जो था वो मैंने बता दिया है, और अब फिर यहाँ पे आप आ करके देख सकते हो, रिवाइज्ड कट ऑफ डिटेल्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट और यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए जो कि स्टेट और यूटी से क्वालिफाई किया गया था, फीमेल कैंडिडेट्स का रिवाइज्ड कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो। अंडमान निकोबार से 16 कैंडिडेट, और कट ऑफ कितने नंबर पर गई है, कट ऑफ है जो आपकी आपका 38.90828, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, फिर असम का आप देखो, आंध्र प्रदेश का, फिर ठीक है आंध्र प्रदेश का देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो, फिर असम का भी आप यहाँ पे देख सकते हो 33 नंबर के, जो कि आपका जी कोड के लिए था और वहाँ पे आपका गया हुआ है, ठीक है। 1, 2, 6 और 9, तो 9 नंबर पे आप देखो 35, क्योंकि आपका पता ही होगा कि वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको बिहार में 63 नंबर, ठीक है, सबसे मेन चीज़ आपका यही सब चीज़ है। और दिल्ली में भी आपका 68 नंबर के आसपास में कट ऑफ गया हुआ है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और ओबीसी के आपके 66 नंबर है। बिहार में वही आप जनरल कैटेगरी के को देखते हो तो 63 नंबर है, और ओबीसी को आप देखते हो तो 61 नंबर है। फिर आप गोवा वगैरह में आप कम ही देखोगे, वहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को आपको मिल नहीं सकता, बट हरियाणा में अगर चले जाते हो तो हरियाणा में अच्छे खासे कट ऑफ गए हुए हैं, और 74 नंबर जो है जनरल कैटेगरी का गया हुआ है, और 6 नंबर पे मतलब ओबीसी का जो होता है आपका 72 नंबर पे भी गया हुआ है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ में कितनी ज़्यादा हाइक है, वह स्टेट वाइज पर डिपेंड करता है, हरियाणा इन सभी जगहों पे काफ़ी अच्छे खासे कट ऑफ गए हुए हैं, ठीक। तो इसके बाद अब बस ये कट ऑफ की बस रिवाइज लिस्ट है, तो आप चाहो तो आप इन्हें देख भी सकते हो, वरना आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। राजस्थान में भी उसी तरीके से आप देख सकते हो, 73 नंबर, मतलब देख रहे हो ना, हरियाणा और फिर दिल्ली और फिर राजस्थान, इन सभी जगहों पे कट ऑफ जो है भारी मात्रा में चला जाता है, ओके, और इन सभी जगहों पे कम गया हुआ है आप देख सकते हो। और फिर हम बात कर रहे थे यूपी की, जहाँ पे हमेशा की भांति कट ऑफ हाई रहती है, बट 69 मार्क्स है, जो कि हरियाणा और राजस्थान से काफ़ी कम है, मतलब 2 से 3 मार्क्स की भी डिफरेंस बहुत ही बड़ी एक डिफरेंस क्रिएट करती है डियर। और एनेक्सर 2 में आप देख सकते हो, रिवाइज्ड कट ऑफ फॉर डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक। अब यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हो, ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, आप चाहो तो इनसे आप डाउनलोड कर लो, ये बस रिवाइज कट ऑफ आपको दिखाया बस गया है। फिर एनेक्सर 3 में नक्सल या मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया के बारे में कट ऑफ दिखाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो और फिर यहाँ पे जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के बारे में कट ऑफ दिखाया हुआ है, तो आप ये सब मतलब देख सकते हो। मैं धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ा सा फास्ट मैंने कर दिया था, अब चाहो तो आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक, और वरना आप इसका मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग उसे डाउनलोड करके देख लेना, ठीक। और फिर यहाँ पे नक्सल या मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज जो कि मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ जो है यहाँ पर गया हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है उन्होंने, और यहीं पर जो है आपका कट ऑफ का लिस्ट जो है यहाँ पर लास्ट होता है, लगभग ये 20 पेज का लिस्ट है। तो इसको जो है मैं आपको डाउनलोड करने की तरीका बता देता हूँ, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ssc.nic.in पे आपको जानी है, किस पे, ssc.nic.in। वैसे आप सभी को इतना देखने की कोई ज़रूरत ना नहीं है, ठीक है, तो बस इसका मेन पॉइंट यही है कि जो पहले लोग जो क्वालिफाइड नहीं थे उन्हें क्वालिफाइड किया गया, किसी भी क्वालिफाइड लोगों को अनक्वालिफाइड नहीं किया गया, ठीक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी को पसंद पड़ा होगा, तो जितने भी आपके सारे दोस्त लोग हैं उन सभी तक आप सभी को सबसे पहले शेयर करना है, ओके, और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के शेयर करने से उन सभी तक हेल्प मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्वालिफाई कर नहीं किया होगा और उन्होंने PET PhD के लिए तैयारी भी करना छोड़ रखा होगा, तो जैसे ही उन्हें ये पता चलता है ये बात, तो वो भी अब जो है फिर से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक भी करना चाहोगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी सारे लोग यहाँ पे नए हैं
वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आप सभी तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो ठीक है, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।